नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। लोकसभा चुनाव पूरा हो चुका है, नई सरकार का गठन हो चुका है, मंत्रिमंडल अपने काम में लग गया है, लेकिन इन सब के अलावा सरकार में कुछ और अहम लोग भी होते हैं जो देश के लिए जी जान एक कर देते हैं। वो सरहद पर बंदूक तान कर तो नहीं खड़े होते, लेकिन सरहद से दूर बैठकर ऐसी रणनीति बनाते हैं कि सरहद पर फौजियों के सीने तन जाते हैं और दुश्मनों के नापाक इरादे चकनाचूर हो जाते हैं। इन्हीं लोगों में से एक हैं अजीत डोभाल, जो देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि NSA हैं। डोभाल को लगातार तीसरी बार ये जिम्मेदारी दी गई है, जबकि वो 70 साल के हो चुके हैं। फिर भी मोदी ने एक बार फिर से अपने पुराने तुरूप के इक्के पर ही भरोसा जताया है, मगर क्यों, ये बड़ा सवाल है। देखिए ये रिपोर्ट और समझिए कैसे अजीत डोभाल न केवल देश के लिए बल्कि पीएम मोदी के लिए भी जरूरी है। मोदी सरकार के पिछले कार्यकालों में जनता ने रियल लाइफ की रियल धमाकेदार फिल्में देखी, जब हमारे सेना के जवानों ने दुश्मन के घर में घुसकर एयर स्ट्राइक की, उरी हमले का बदला लिया, पुलवामा में शहीदों की आत्मा को दुश्मनों के खून से श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सभी ने मोदी सरकार की वाहवाही की। लेकिन बहुत कम लोगों को पता होगा कि देश की इस सफलता के पीछे का असली हीरो कौन था। ये असली हीरो थे NSA अजीत डोभाल। डोभाल ने कई अहम मौके पर अपनी काबिलियत को दर्शाया है। जब भी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो या कोई संकट की स्थिति हो, तो पीएम मोदी को अपना ब्रह्मास्त्र डोभाल ही याद आते हैं। दरअसल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ही दूसरे देशों की खुफिया एजेंसियों के साथ गुप्त और खुले अभियानों के लिए तालमेल बैठाते हैं। अपने देश पर आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए रणनीति तैयार करते हैं। अगर किसी कारण से किसी देश पर हमें परमाणु हमला करना पड़े, तो प्रधानमंत्री के साथ ही NSA के पास भी एक सीक्रेट कोड होता है। इसको डालने के बाद ही परमाणु हमला हो सकता है। अजीत डोभाल ने इस देश के लिए आज तक बहुत कुछ किया है, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। जैसे अजीत डोभाल ने 2014 में इराक के एक अस्पताल में फंसी नर्सों को रिहा कराने में अहम भूमिका निभाई। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और फरवरी 2019 में पाकिस्तान में सीमा पार बालाकोट हवाई हमले भी डोभाल की देखरेख में हुए थे। डोभाल ने 1984 में खालिस्तानी उग्रवाद को दबाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए खुफिया जानकारी जुटाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डोभाल 1990 में कश्मीर गए और कट्टर आतंकवादियों और सैनिकों को आतंकवाद विरोधी बनने के लिए राजी किया था। अजीत डोभाल ने मिजोरम और पंजाब में उग्रवाद विरोधी अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल रहे। डोभाल ने पाकिस्तान में एक अंडरकवर ऑपरेटिव के रूप में सक्रिय आतंकवादी समूह के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 7 साल बिताए। वहीं अब बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी के लिए अजीत डोभाल क्यों जरूरी है, खास करके इस कार्यकाल में। पीएम मोदी को सेना से जुड़ी जिन उपलब्धियों के लिए सराहा जाता है, उसके असली हकदार अजीत डोभाल हैं। पीएम मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि बिना अजीत डोभाल के वो सख्त फैसले नहीं ले पाएंगे। वैसे भी इस कार्यकाल में एक गलत कदम भी सरकार को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में अपने पुराने तुरूप के इक्के को चुनना ही उनके लिए फायदेमंद है। यही वजह है कि अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देने के बाद भी अजीत डोभाल को ही NSA की जिम्मेदारी दी गई। कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अपने पड़ोसी देशों के साथ सीमा से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री के विशेष संवाददाता की तरह काम करते हैं, इसलिए इस पद पर कोई दमदार शख्स ही चाहिए होता है। इस बार पीएम मोदी ने बीजेपी की जैसे तैसे नैया पार लगाई है, ऐसे में इस नई सरकार की नैया भी पार लगाने के लिए पीएम मोदी को कई बड़े और कई फैसले लेने होंगे, जो अजीत डोभाल की सलाह के बिना संभव नहीं है। इस कार्यकाल में NSA पद पर किसी और को लाकर पीएम मोदी अपने लिए भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। फिलहाल पीएम मोदी की चाहे जो मंशा रही हो, मगर एक बात तो तय है कि देश की सुरक्षा एक बार फिर मास्टरमाइंड के हाथों में है
और जनता चैन से सो सकती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।